दोस्तों आपको पता है कि अंडा सफ़ेद ही क्यों होता है और हमारे दांत सफ़ेद ही क्यों होते हैं? नहीं पता तो मैं आज आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो आप शायद ही जानते होंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश गुप्ता एंड यू आर वाचिंग टीपी टेक। तो ज़्यादा टाइम का टाइम पास ना करते हो, शुरू करते आज का वीडियो। सो नंबर वन, दोस्तों आपको पता है भारत का कुल कितना एरिया है? कहने का मतलब है भारत कुल कितने एरिया में बसा है? नहीं तो मैं आपको आज बताता हूँ भारत कुल कितने एरिया में बसा है। भारत कुल एरिया में बसा है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में, और इसे पूरे वर्ल्ड के एरिया से कंपेयर किया जाए, मीन्स परसेंटेज इसका निकाला जाए, तो सिर्फ इसका 2.42% ही होता है। तो सोचो अर्थ कितना बड़ा होगा। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों इंडिया में कुछ चीज़ ऐसे बने हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। मैं आपको सिर्फ आज इस वीडियो में एक ही चीज़ बताऊंगा, और वो भगवान राम जी के जमाने से पहले ही निर्माण हुआ था। जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है ये खड़ाऊ। ये चप्पल लकड़ी से बना होता है और ये हमारे दादाजी के जमाने तक पहना गया था। शायद अभी भी कई लोग इसे पहनते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, अंडा सफ़ेद क्यों होता है? दोस्तों अंडा प्रोटीन का भी एक अच्छा स्रोत है। मतलब कुल मिलाकर एक छोटा सा अंडा पोषण का एक भरपूर खजाना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सफ़ेद रंग की मुर्गी के अंडे का रंग सफ़ेद ही होता है, और जिन मुर्गियों का रंग लाल होता है उनके अंडे का रंग सफ़ेद ही होता है, क्योंकि इसमें मैंने आपको अभी बताया कि ये पोषण का एक बहुत अच्छा स्रोत है, इसलिए ये अंडा सफ़ेद ही होता है। फैक्ट नंबर फोर, हमारे दांत का रंग सफ़ेद होने का सिर्फ एक ही छोटा सा कारण है, और यही कारण हमारे दांतों को सफ़ेद रखता है, और यह कारण है कि हमारे दांत के ऊपर एक इनेमल नाम का कवर रहता है जो दांतों को सफ़ेद चमक देती है। यह इनेमल कैल्शियम से बनी होती है। तो गाइस मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। तो आज का लाइक है मैं रखता हूँ 18, तो मुझे पता है आप लोग कर दोगे तो ठोको लाइक। And thanks for watching. Take care.